हेलो एवरीवन यार, देखो यहाँ तक आए हो तो पूरी वीडियो देख कर ही जाना। अक्सर मैं दिखता हूँ मेरे पास एनालिटिक्स में कि आप लोग आते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और आधा ही वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए, अगर आपने अपना टाइम लगाया ही है, आपने सीटी का फॉर्म भरा ही है, आपने सोचा ही है कि हमें क्लियर करनी है, आपने फ़ीस भरी है, तो कम से कम अपना पूरा डेडिकेशन इसमें दिया जाए। तो आज की वीडियो, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने लिखा है कि मैं आपको लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिनको पढ़कर आप आराम से 90+ ला सकते हैं। और 90+ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वह उसके भी बहुत कम में आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस एक स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है DVVCET के द्वारा, ठीक है। हमको जो सिलेबस बताया गया है वो बताया गया है अप टू ट्वेल्थ। अब अप टू ट्वेल्थ का मतलब क्या होता है? अप टू ट्वेल्थ का मतलब तो 9th भी होता है, 8th भी होता है, 10th भी होता है, बट ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो 11th 12th के बेस का ही हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ बस इतनी ध्यान रखनी है कि आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि 10th का ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा ही हो सकता है, बाकी कोई अलग बात नहीं है। 11th में भी वो ट्रिग्नोमेट्री लगभग कवर हो जाती है, क्योंकि वो बेसिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि 11th और 12th क्लास एक हलवा नहीं है। 11th और 12th क्लास एक बहुत ही टफ क्लास है, ठीक है। टफ क्लास इन द सेंस मैं पढ़ाई के लिए नहीं बोलूँगा, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो बहुत ही लेंदी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत ही लेंदी, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। पूरा 11th का हम मिला लें और पूरा 12th का मिला लें, तीनों सब्जेक्ट्स का मिला लें तो, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, अभी हम अगर चाहें कि हम एक एक टॉपिक वापस से कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज़ कर लें, एक एक वीडियो सबकी देखें, उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस करें, तो इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास पूरे 2 महीने ही वैसे होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक कॉन्सेप्ट समझ के, एक एक चैप्टर अलग अलग करके और फिर उनके एक एक के अलग अलग क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको हार्ड वर्क नहीं, हमको करना है क्या, स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उठाने पड़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। हमें उठाने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट में से ज़्यादा ज़्यादा कोई हमको कितने क्वेश्चंस दे सकता है, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कितने ही चैप्टर से पूछ लेंगे, फिजिक्स और हमारे दोनों साल के फिजिक्स के हम मिला के देखें तो फिर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो 20 क्वेश्चंस इतने सारे चैप्टर में से कौन से चैप्टर से आएंगे वो तो हमको पता नहीं है। मतलब हम गधों जैसी मेहनत करेंगे सारे चैप्टर्स पढ़ने में और क्वेश्चंस आएंगे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से, और स्पेसिफिक चैप्टर फिक्स है। अगर आप टीचर होते, आपको अगर कोई क्वेश्चन बनाने के लिए देता तो आप उन्हीं चैप्टर से बनाते जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपके बीच में कुछ लेकर आया हूँ आज ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको देखकर आप बहुत ही अच्छे से अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। आप इन टॉपिक का छोटा छोटे वन शॉट्स देख के, इनके MCQs रिवाइज करके बहुत ही आसानी से एक वीक में उसको पूरा रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए, 20 तारीख उसका लास्ट डेट है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, मुझे प्राइवेट मैसेज कीजिए या गूगल फॉर्म की लिंक मांगिए, आप वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपके पास MCQs होगा। देखिए MCQs, मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट कुछ स्पेशल ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है। मॉक टेस्ट में क्या है कि मॉक टेस्ट आपकी एबिलिटी, आपकी पोजीशन चेक करने के लिए होता है। अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिया तो क्या है कि आप ही आप कहीं ना कहीं आगे हैं, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, इसलिए मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट बेसिकली आपको हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, मतलब आपका जिस टाइप से टेस्ट होता है उसी टाइप का होगा। सो अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो ₹99 पर टेस्ट आपका लगेगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक बात मैं दोस्तों आपको बताना भूल गया कि जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ रिवीजन की, MCQs की, आप तो की ताकि प्रैक्टिस होती रहे, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं कि इससे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन बहुत होते हैं, एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है तो ये 2 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे 6 या 8 मार्क्स देकर जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब बहुत सारे चैप्टर्स के एक एक करके वीडियोज़ लेक्चर्स बनाना और उसके MCQs कराना बहुत ही टफ है, तो ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप जो है वहाँ पर आपके लिए ओपन करूँगा ग्रुप, और मैं खुद पूछूँगा आपसे कि आप लोग कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि अभी मैं उसके ऊपर लेक्चर डालूं। तो आप जो लोग, जिस पर ज़्यादा वोटिंग आएगी, जिस पर लोग ज़्यादा कहेंगे कि यार भैया ये वाला लेक्चर डालो, तो वही वाले लेक्चर पे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी ये वाली वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखना है, हमें देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बायोलॉजी की, ठीक है। तो चलिए बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, फोटोसिंथेसिस, इकोसिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन,
एंजाइम म्यूटेशन, जेनेटिक्स, यूनिट ऑफ लाइफ, ह्यूमन इवोल्यूशन, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सब इनमें कुछ चैप्टर्स के भी नेम्स हैं और कुछ टॉपिक्स के भी नेम्स हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर सपोज मैं तो बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो जो बायो का स्टूडेंट होगा, जिसने ये पढ़ रखा है, उसे पता होगा कि कौन सा चैप्टर जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ दे दिए हैं टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही कम टॉपिक्स है, आप इनको जल्दी जल्दी पढ़कर बहुत ही अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आप इसमें मतलब आप इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप कर लीजिए नोट। उसके बाद बायोलॉजी के बाद हम चलते हैं किस पर, बायोलॉजी का तो हम चलते हैं फिजिक्स पर, ठीक है। फिजिक्स में भी देखिए बहुत ही बेसिक से यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट्स सब बेसिक्स होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले आपको डिराइव करने आने चाहिए, ठीक है। काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, इन सबके बेसिक फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। हाइड्रोस्टेटिक्स एंड फ्लूइड्स के बेसिक फॉर्मूले, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले एक बार देखने होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स हो गया, वेव मोशन हो गया, हमारे 12th के हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हमारा हो गया 11th का, थर्मल फिजिक्स में भी हमारा 11th का ही आता है पोर्शन, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन में भी आपको फॉर्मूले याद करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका 12th का है, आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, सबकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और क्या है मॉडर्न फिजिक्स हमारा हो चुका है। मॉडर्न फिजिक्स जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लैम्बडा के फॉर्मूले, वेवलेंथ के फॉर्मूले, यही सब है इसके अंदर। आप अगर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद क्या है नेक्स्ट के हम चलते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स क्या है, देखिए मैथमेटिक्स में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हर चीज़ आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो कुछ को जो बोलते हैं ना, कुछ बॉस टाइप के चैप्टर्स होते हैं, तो ये है, यही वे हैं कुछ बॉस टाइप के चैप्टर्स। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप सिर्फ इन्हीं को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपको मतलब इन सब में अपनी अच्छी पकड़ बनानी है, ठीक है। तो क्या है, एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस आपको पता है आपस में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये भी आपको पता है कि आपस में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी 11th और 12th दोनों में आती, तो इस पर क्वेश्चन आना तो फिक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, बट आएगा ऑफकोर्स। तो आप जो उसका बेसिक्स है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एलजेब्रा एंड लॉगरिथम्स, ठीक है, लॉगरिथम्स में भी आपको बेसिक प्रॉपर्टीज क्वेश्चन आएगा, जो लॉगरिथम की होती है प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इस पर भी आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दूँ। इसमें जो मैं मोस्ट 3 टॉपिक्स की जो मैं बात करूँगा आपको, वो है अपना इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तीनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैथ्स के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री जो है एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें हम बहुत थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो केमिस्ट्री जो है सभी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑफकोर्स हमको स्टार्टिंग में केमिस्ट्री टफ लगती है, बट पेपर के वक्त वही नंबर दिखकर जाती है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो चैप्टर्स हैं 11th और 12th के लगातार दिए हैं। तो सबसे पहले है केमिकल डायनामिक्स, कोलिडल सॉल्यूशंस, केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स। केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स में थोड़ा बहुत मेटल्स के बारे में कि इनको एक्सट्रैक्ट आउट करने के कौन कौन से प्रोसेस होती हैं, हैलोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड पी बॉन्ड्स, ठीक है। फ्यूल गैसेस को तो आप हटा दीजिए, ठीक है, इसको अभी आप मत लीजिए इंपॉर्टेंट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ से आप देखेंगे इसके नीचे के जो यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे, ये सब क्या है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये भी पता है कि नेमिंग रिएक्शंस होती हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कवर करती है? अलग अलग नेमिंग रिएक्शंस, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है पूरा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर बताऊं, क्योंकि देखो मैंने अगर नेमिंग रिएक्शन के ऊपर एक वन शॉट बना दिया सिर्फ 10 मिनट्स का, तो उससे अब क्या होगा, आपके सारे नेमिंग रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगी, और उसी नेमिंग रिएक्शन से आपका इतना पोर्शन पूरा का पूरा लगभग क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक्स तो आपको आने चाहिए कि कहाँ पर क्या स्टेबिलिटी होती है ना, और किसकी कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, कौन कितना सॉल्यूबल होता है, ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको आती ही होंगी एक्सपेक्ट, अगर आप DAV CET का फॉर्म भरा है तो, ठीक है। तो यही थे हमारे कुछ सिंपल चीज़ें। तो ये टॉपिक्स आपको देख लेना, ये आपके डू और डाई टॉपिक्स हैं, आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट देना, कोर्स में इनरोल करना, या तो फिर आप चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैंने PDF एक DAVV
के प्रोफेसर से ली है, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, जो आपके 11th और 12th पूरे सब्जेक्ट को कवर करके बनाए गए हैं इंपॉर्टेंट इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो अगर आप चाहते हैं उनको बाय करना, तो ₹99 में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप मुझे व्हाट्सअप पर प्राइवेट मैसेज करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक कर दे वीडियो को अगर आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, तो आपको हमको सपोर्ट करना आपका फर्ज बनता है। और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ आखिरी तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता सीटे का, हम आपको पल पल की खबरें देंगे। धन्यवाद।